स्थल अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य करार देते हुए शहर के 9 निजी स्कूल्स को वसूली गई 54 करोड़ से अधिक की फीस वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा इन 9 स्कूल्स पर जिला प्रशासन ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिन पर आरोप है कि इन्होंने मनमाने तरीके से फीस वृद्धि कर अवैधानिक रूप से अमान्य तरीके से 54 करोड़ से अधिक की फीस वसूली की है, अब वापस लौटानी होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल बताया जा रहा है कि 54 करोड़ से अधिक की फीस को वापस करने के निर्देश तो दिए ही गए हैं और इसके अलावा इन 9 स्कूल्स पर जिला प्रशासन ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो कार्रवाई कुछ इस तरह से होगी कि अभी तो आपको 54 करोड़ रुपए जो अतिरिक्त फीस वसूली है, इन 9 निजी स्कूल्स की हम बात करें जिन पर अब एक्शन लिया जा रहा है, उन्हें 54 करोड़ रुपए तो लौटाने ही होंगे, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगली बार से इससे भी सख्त प्रावधान किए जा सकते हैं। और हमारे सहयोगी पवन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, मनमाना तरीका नहीं चलेगा, स्कूल्स को दायरे में रहकर ही काम करना होगा। और अभी जो 9 स्कूल्स हैं, ये कौन कौन से स्कूल्स हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं और अभिभावकों के लिए कितने लाभकारी ये सिद्ध हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जबलपुर में लगातार निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला समिति जो है शिक्षा विभाग की, वो लगातार मॉनिटर कर रही है। बीते चार महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जो प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई चल रही है। सर, आज फिर एक आदेश जारी हुआ है, 9 स्कूलों पर 54 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फीस वसूली का आदेश दिया गया है, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कौन कौन से स्कूल हैं और किस तरह से इनकी खामियां सामने आई? 8 स्कूल हैं, अभी 8 स्कूलों पर कार्रवाई हुई है और इन स्कूलों का 18-19 से लेकर आज तक जितनी भी शुल्क वृद्धि हुई है उसका परीक्षण किया गया। तो जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं अन्य विषयों का विनियमन 2017 जो अधिनियम है उसके अनुरूप इन लोगों ने कार्यवाही नहीं की थी, इसलिए इनकी शुल्क वृद्धि जिला समिति के द्वारा अमान्य की गई है और जितनी भी शुल्क वृद्धि के अनुसार राशि इनके द्वारा छात्र छात्राओं से प्राप्त की गई उसे प्रतिदाय के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही एक्ट का पालन नहीं होने पर 2 लाख रुपए प्रति स्कूल पेनल्टी भी लगाई गई है। इसके लिए राज्य स्तर से एक अकाउंट है, राज्य स्तर का स्कूल शिक्षा विभाग का, उसमें वो राशि जमा करने के लिए कहा गया है। ये शुल्क प्रतिदाय और पेनल्टी की राशि जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है और छात्र छात्राओं को अभिभावकों को शुल्क वापस करने की जो विधि है वो उसी विधि को अपनाने के लिए कहा गया है जिस विधि से शुल्क लिया गया है। सर, ये तो तमाम आदेश जारी हो रहे हैं, पहले भी आदेश जारी हुआ था लेकिन इसका पालन नहीं किया स्कूलों ने, बल्कि बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज भी एक मामला आया विजडम स्कूल का, जो 9 स्कूल हैं उन्हीं में 8 स्कूल हैं उन्हीं में से एक है, जहां बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, बच्चों को दूसरी क्लास में बिठा देते। ये जो समस्या है इससे कैसे निपटेगा शिक्षा विभाग? अभिभावकों को राहत मिलते कहीं दिख नहीं रही। अभी जो आज जो इशू आया है विजडम वैली स्कूल का, वो मेरी जानकारी में आ गया है और मैं वहाँ के प्रबंधक प्राचार्य को बुला के और उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। बाकी आदेश देने के बाद जो स्कूल के अपने संवैधानिक अधिकार हैं माननीय न्यायालय का या अपील का, वो उनको हक होते हैं तो वो अपील में भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा। बच्चों को प्रताड़ित करना तो उचित नहीं, ये नहीं, तो एक दंडात्मक एक्शन उस पर हम कार्यवाही करेंगे और अभी हम उनसे जानकारी भी लेंगे और इस तरीके की कोई बच्चों को परेशान ना किया जाए इसके लिए हिदायत भी दी जाएगी। तो हमारे साथ थे जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी, जिनका कहना है कि स्कूलों को हिदायत भी दी जाएगी और जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो शिक्षा विभाग का जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, बस ये उम्मीद है कि प्रशासन की जो कार्रवाई हो उससे अभिभावक और बच्चे प्रताड़ित ना हो, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, फिलहाल एक्शन जारी है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे कुछ और खबरों पर भी आगे डिटेल्स लेंगे। आपसे बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जबलपुर के तिलवारा थाना स्थित विजडम वैली स्कूल के खिलाफ अभिभावक एसपी ऑफिस पहुंच गए और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ फीस को लेकर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अभिभावकों का आरोप है कि फीस जमा न होने पर बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें दूसरी क्लास में बैठाया जाता है और इतना ही नहीं, बच्चों से फीस जमा कराने की बात भी कही जाती है।
जबकि स्कूल प्रबंधन को फीस के लिए बच्चों के बजाय पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और बात करेंगे पवन पटेल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आपने जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत की, लेकिन ये कुछ अभिभावक हैं जो एसपी ऑफिस पहुंच गए, ये क्या मंजर था, क्या माजरा था? जी बिल्कुल, जिस तरह से निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं उसी का एक उदाहरण सामने आया है कि बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन। ये जो 8 स्कूलों के खिलाफ में फीस लौटाने का आदेश जारी हुआ है, उसके बाद अभिभावक सामने आए जिन्होंने ये भी बताया, पुलिस के पास पहुंचे कि बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें दूसरी कक्षा में बिठाया जाता है, बच्चों से फीस जमा करने के लिए बोला जाता है, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित महसूस कराने का प्रयास किया जाता है कि उनकी फीस जमा नहीं है, जबकि ये सारी बातें पेरेंट्स से होना चाहिए। यदि बच्चों से इस तरह की बात की जाती है तो उनकी मनोदशा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अभिभावकों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है, साथ ही शिक्षा विभाग को भी इसकी जानकारी दी है कि विजडम वैली स्कूल का मैनेजमेंट बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है। तो फिलहाल ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी ने भी बताया कि उनके संज्ञान में यह जानकारी आ चुकी है और वो इसके लिए स्कूल के प्राचार्य से और मैनेजमेंट से बात करेंगे और इस समस्या का निराकरण निकालेंगे कि बच्चों को इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। हालांकि ये तस्वीर सिर्फ विजडम वैली की नहीं है, लगभग हर प्राइवेट स्कूल जिनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, जाँच हो रही है, वो सभी स्कूल मैनेजमेंट जो है बच्चों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज शिक्षक दिवस का अवसर है, ऐसे दिन पर यदि इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये शिक्षा विभाग के लिए और शिक्षकों के लिए बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं, शर्मनाक बात है कि बच्चों को प्रताड़ित करें जिन्हें शिक्षा देना चाहिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया भवन आपका। और एक शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, शराब पीकर स्कूल पहुंचा टीचर, कैची दिखाकर छात्रा को डराया और टीचर के डर से छात्रा रोने लगी। शराबी टीचर को अब निलंबित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग ने कार्रवाई की है। रतलाम से खबर सामने आई जहां एक शराबी शिक्षक ने बच्ची को कैची दिखाकर डराया और बच्ची बुरी तरह से रोने लगी। शराब पीकर टीचर स्कूल पहुंचा था और बच्ची को कैची दिखाकर डरा रहा था और बच्ची रोने लगी और शराबी टीचर पर अब एक्शन लिया गया। सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग ने कार्रवाई करते हुए इस कैंचीबाज शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। तो दारू भी देखा है, सब जगह से मेरे पास आया भी है। प्रिमा फेसियाई मर्यादाहीन आचरण के लिए मैंने उनको सस्पेंड किया है, अब जांच भी बिठाई जाएगी। और सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बच्चियों का इस तरह से क्लास में टॉर्चर किया जाना, ये डराया जाना, कैची दिखाकर धमकाना, वो भी शराब के नशे में, ये निलंबन तक से क्या इसे मुफीद कार्रवाई माना जाए? देखिए, अभी बयान होंगे, उसके बाद जो सहायक आयुक्त आबकारी जो सहायक आयुक्त है आदिवासी विभाग के, उनका कहना है कि अगर जरूरत होगी तो बर्खास्त भी किया जाएगा, यानी बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि अब जो ये टीचर है इनका मेडिकल होगा और उसके बाद तय होगा कि क्या इन्होंने शराब पी रखी थी या कुछ बात और है। तो मेडिकल के ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड करती है, क्योंकि ये टीचर आज छुट्टी पे चले गए हैं, जैसे ही उनका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया और जो आदिवासी विभाग के कर्ता धरता है उनको इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। तो आज बीआरसी और जो प्राचार्य है वो पहुंचे थे सेमलखेड़ा स्कूल में, टीचर मिले नहीं, लेकिन जो जो आदिवासी विभाग की प्रमुख है यहाँ पे, उन्होंने जो वीर सिंह मेड़ा, इन टीचर का नाम बताया जाता है, सहायक शिक्षक है, उनको प्रारंभिक रूप से निलंबित करके जांच बैठाई है, उनके बयान दर्ज होंगे, मेडिकल होगा, उसके बाद देखना ये कि क्या बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है। तो अब पूरा मामला जांच में है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुधीर। और भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाने और छात्राओं के प्रदर्शन को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों का इतना गुस्सा चिंता का विषय है, शिक्षक को हटाने का काम किया जा चुका है, इसके साथ ही पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच हो रही है। मतलब उनका जो गुस्सा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि वो शिक्षक संबंधित शिक्षक को अलग करने का तो काम किया ही हमने, लेकिन पूरे प्रबंधन पर भी क्वेश्चन मार्क है ये कि आखिर ये परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई
और ये स्थिति कैसे निर्मित हुई कि बच्चों को इस तरह की परिस्थितियों के से दो चार होना पड़ा, इसको पहले भी टाला जा सकता था। बातचीत का रास्ता रहता है, बच्चों के भावनाएं पहले पता होती हैं, ये कहीं ना कहीं प्रबंधन भी इसमें दोषी है। और मुझे लगता है कि हमने इसलिए हमारे जो सचिव स्कूल शिक्षा को बोला है इसको उच्च स्तरीय जांच करें। और सागर में स्कूल में मदरसा चलाने के मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मदरसा बोर्ड के स्कूल्स में अनियमितताएं हैं, लगातार जांच करवाई जा रही है। उनकी माने तो ऐसे मदरसे जहां पर हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं उन स्कूल्स पर भी जांच की जा रही है मान्यता को लेकर, और मदरसा चलाने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। स्तर पर स्कूलों की मान्यता लेकर उसमें ये काम कराया जाएगा तो ये असंवैधानिक भी है और उनका ये आपराधिक कृत्य भी है। इसको कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस विषय को चर्चा के बाद मुझे लगता है कि इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि कार्रवाई उन स्कूलों पर होगी जिनमें मदरसे चलाए जा रहे हैं या उन पर जहां पर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल दोनों ही बातें हैं। जिस तरीके से देखिए कुछ दिन पहले ही मध्यप्रदेश सरकार ने आदेश किया था कि मदरसे उनमें अगर हिंदू बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अभिभावकों की स्वीकृति आवश्यक होगी, तो ऐसे मदरसे तो रडार पर है ही हैं जो बगैर माता पिता की स्वीकृति के केवल फंड हासिल करने के लिए हिंदू बच्चों का नाम लिख के रखे, भले बच्चे उसमें पढ़ने ना जाते हो लेकिन उनका नाम इसलिए लिख लिया गया ताकि उनके नाम का फंड जो है वो मदरसा संचालक हड़प कर सके। दूसरी बात, जिस तरीके से स्कूल की आपको अनुमति मिली है तो स्कूल उन्होंने साफ किया है कि अगर आपको प्रदेश के अगर एमपी शिक्षा बोर्ड ने अनुमति दी है तो एमपी शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है वो आप पढ़ाइए, अगर आप सीबीएसई से अफिलेटेड हैं तो सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाइए, लेकिन अगर एमपी बोर्ड और सीबीएसई से आप अगर वो अनुमति लेते हैं और उसके बाद अगर आप दीनी तालीम उनको देते हैं यानी मजहबी शिक्षा देते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मजहबी शिक्षा दीजिए, उससे उन्हें सरकार को या स्कूल शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए बाकायदा मदरसे के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराइए। और सागर का जो मामला है, 8 और 9 अगस्त को बाल आयोग की टीम ने वहां पर एक छापामार कार्रवाई की थी, वहां एक निजी स्कूल में ये देखने को मिला था कि वहां जो मदरसे की तरह शिक्षा दी जा रही है, यानी था तो स्कूल रजिस्टर्ड लेकिन उसमें शिक्षा दी जा रही थी दीन की, यानी तालीम जो है वो दी जा रही थी। और इसी बात को लेकर जो बाल आयोग की टीम ने उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी और स्कूल शिक्षा विभाग को इस मामले में कार्रवाई के लिए लिखा भी था, और यही कारण है कि मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि लगातार मदरसों की जांच कराई जा रही है, जहां हिंदू बच्चे बगैर अनुमति के पढ़ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और जो स्कूल के तौर पर रजिस्टर्ड है और वो अगर बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए।